नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से साथियों का फोन आता है कि हमें ओपन रेंज पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन समझा दीजिए कि कितनी कमाई होगी और कितना खर्चा होगा। तो आज हम वही समझेंगे। अब लोग पूछते हैं कि क्या बहुत मोटी कमाई हो सकती है? तो बिल्कुल, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो बहुत मोटा पैसा लगाओगे तो बहुत मोटी कमाई हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक मीडियम रेंज का जो पोल्ट्री फार्म होता है ओपन रेंज का, उसके बारे में बताने वाला हूँ। बातचीत शुरू करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ऑल के ऊपर क्लिक कर लो, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना अभी फ्री है। बाद में YouTube अपनी पॉलिसी बदल रहा है, फिर पैसे लेगा YouTube आपसे। खैर, आप लोगों को मैं बता दूँ कि किस तरह से आप इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर का फार्म बनाने की बात करते हैं कि कितना पैसा उस पर लगेगा, और हम शुरुआत बाउंड्री से ही कर लेते हैं। आप अगर अच्छी से अच्छी कंपनी, भारत की कौन सी है, उस कंपनी के हिसाब से उसकी वायर लेते हैं और वो लगाकर ये जाली बनाते हैं, तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी, ये वाली जो नोक वायर होती है, इसकी वाली जो पूरी की पूरी आप अगर चार दीवारी करते हैं, तो वो 6 फीट ऊंची आपको मिलेगी लगभग 2.5 लाख रुपए में। 1 एकड़ का 1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है इसका। अच्छी मोटी वाली जो 20 साल चलेगी, और इसके ऊपर जिंक का कोट भी होगा ताकि ये 20 साल तक खराब ना हो। कौन सी बड़ी कंपनी है उसका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, नाम बताऊंगा आप बोलेंगे प्रमोशन करता है। भारत की सबसे बड़ी और अपने दादा परदादाओं के टाइम की कंपनी है स्टील की दुनिया में। उसका नाम आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। खैर, ये लगाओगे तो 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया आपका। इसके बाद में जो इंडियन आर्मी की छावनियों के ऊपर लगी होती है रोल में, वो भी आपको लगानी चाहिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि वो लगाने से आपके यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह अंदर कूद के भी नहीं घुस सकता, छलांग लगा के भी नहीं घुस सकता। इसका जो है लगभग 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। लगाने करने का, लेबर का, सब मिला के 3,25,000 रुपये में आपकी बाउंड्री जो है वो 2.5 एकड़ की प्रॉपर बन जाएगी। कोई कुत्ता बिल्ला नहीं घुसेगा अंदर। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अब आपको वहां पे लाने हैं बच्चे मुर्गे के, तो कितने लाएं? तो मैं सिंपल आपको बता दूं, वाइट वाले जो मुर्गे होते हैं इनमें मत फंसिएगा, जो जिनको बॉयलर कहते हैं। आपको पालने हैं कौन से? देसी मुर्गे या फिर कड़कनाथ मुर्गे। ये लगभग पूरे भारत की बात करें तो 20 रुपये से 35 रुपये के बीच में घूमता है सर्कल। अपन मानते हैं कि पर पीस अपने को 30 रुपये का पड़ेगा, तो 10,000 हम लाए तो हमारा हो गया 3 लाख रुपए के बच्चे हो गए। अब आपको क्या करना है? बरसात आएगी, ओलावृष्टि भी होगी, तूफान भी आएंगे, रात का वक्त भी होगा, तो बच्चे जाके अंदर सोएंगे, तो उसके लिए एक शेड बनाना है। और शेड जो है वो लगभग, अगर 10,000 बच्चे आप पालते हो तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है लगभग 10,000 स्क्वेयर फीट से 15,000 स्क्वेयर फीट का। और सिंपल सेट जिसमें साइड में जालियां लग जाए, ऊपर छत लग जाए, और उसके अंदर आप अलग अलग जगह सरिए और रोड लगा देंगे ताकि कुछ पक्षी ऊपर बैठ जाएं, कुछ नीचे बैठ जाएं। तो इसका पूरा खर्चा जो है वो लगभग आपका 20 लाख रुपये पड़ेगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे कि क्या 10,000 बच्चे उस उतने सेड में रह पाएंगे या उतने 2.5 एकड़ में रह पाएंगे? तो आपको सिंपल फार्मूला बताता हूं। एक बच्चे को अगर आप लेयर फार्मिंग करते हैं, जिसके अंदर एक सेड बनाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर बना दी जाती है, उसके अंदर बच्चों को ठूस ठूस के पिंजरों में रखा जाता है, वहां पे माना जाता है कि 2x2 के हिसाब से, यानी 2x2 यानी 4 स्क्वेयर फीट के अंदर एक मुर्गा पल सकता है। अपन यहां पे जो पूरा एरिया ले रहे हैं 2.5 एकड़ का, वो हो गया 1,08,900 स्क्वेयर फीट का एरिया। मतलब एक पक्षी जो है उसको लगभग 10.5 फीट से भी ज़्यादा स्क्वेयर फीट जो है एरिया मिल जाएगा, यानी 3x3.5 फीट के एरिया में एक मुर्गा, यानी 10.5 स्क्वेयर फीट से भी ज़्यादा एरिया के अंदर एक बच्चा रहेगा 10.8 के हिसाब से। तो इसके अंदर आराम से बच्चे जो हैं वो रह सकते हैं 2.5 एकड़ में। 10,000 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे या नहीं, वो बड़े भी हो जाएंगे तो भी रह लेंगे, 10 स्क्वेयर फीट एरिया काफ़ी हो जाता है। अब इसके बाद आगे की बात आती है कि अब आपका खर्चा कितना हो गया टोटल। तो आपके 20 लाख एक हो गए सेट बनाने के, अच्छा सेट बन जाएगा 20 लाख में। 200 अगर 10,000 स्क्वेयर फीट का बनाते हैं तो भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट बनाने के अंदर 200 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से बनाओगे, बहुत बहुत अच्छा सेट बन जाएगा।
तो हमारे पैसे हो गए यहाँ पे 20 लाख 1, 3 लाख 1 और ये, तो 25 लाख रुपए के आसपास हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब आपने उसके ऊपर 2 लोग भी रख लिए जो उनकी देखभाल करेंगे, संभालेंगे, सब करेंगे, तो उसका खर्चा जो है हमारा आ गया, मैक्सिमम करोगे तो 4 लाख रुपए, यानी हम 30 लाख में इसको मानते हैं पूरा। आपने जो 2.5 एकड़ जमीन ली है इसके अंदर शेड के एरिया को छोड़ के बाकी जमीन को आपको जोत देना है और उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बो देनी है, चाहे आप दाल बो दीजिए, चाहे फूल वाली फसल बो दीजिए, जो भी चारा बो दीजिए बेशक, क्योंकि हमें फीड बहुत कम डालना है अपने जानवरों को, वो मैक्सिमम जो है डिपेंड रहेंगे उस क्रॉप के ऊपर, उसी क्रॉप में से वो ढूंढेंगे, कैंचुए ढूंढेंगे, उसी क्रॉप में से वो पत्ते ढूंढेंगे, फूल ढूंढेंगे, बीज ढूंढेंगे, उन्हीं को खाकर उन्हें बड़ा होना है क्योंकि वो ओपन रेंज में पल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर भी हमारा जो खर्चा आएगा, कुछ फीड हमें देना होगा, वो लगभग 5 लाख रुपए के करीब आएगा, यानी 35 लाख रुपए में हमने 10,000 मुर्गे तैयार करने के लिए छोड़ दिए। 1 साल बाद हम उन सबको बेच देंगे। 1 साल बाद जब हम बेचेंगे तो बॉयलर वगैरह 300-350 रुपए का पीस जाता है, 250 रुपए का चला जाता होगा। कड़कनाथ जो है 1200-1100-1900 तक चला जाता है। हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल कड़कनाथ नहीं पाल रहे, हम देसी मुर्गा भी पाल रहे हैं, तो भी हमारा वो मुर्गा जो है वो लगभग 700 रुपए जाएगा बाजार में। और एकदम जरूरी नहीं है कि हमें एक बार का लोट सारा इकट्ठा बेचना है, धीरे धीरे जैसे जैसे बिकता रहे आप बेचते रहिए, 20-50 मुर्गे रोजाना बेचते रहिए बेशक। तो इससे हमारे पास 700 के हिसाब से भी बिका तो 10,000 गुना में 700 यानी 70 लाख रुपए का हमने काम कर लिया, और जिसके अंदर हमारा खर्चा आया 35 लाख रुपए, और वो भी हमारी पहली कॉस्ट आई है, अगले साल तो वो कॉस्ट भी नहीं आनी इतनी। अगर कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया इतना महंगा नहीं बिकेगा, हमारे यहां से ले लो, 500 रुपए बिक जाएगा देसी मुर्गा, 500 रुपए का एक देसी मुर्गा बिकता है, तो भी आप ये मान के चलिए कि 50 लाख रुपए का काम हो गया पहले साल में। अगले साल पे चलिए, अगले साल आपका मुर्गा मुर्गी सब एवरेज निकाल के 400 ही बिक रहा है मान लीजिए, कितना फिर भी कितना कमाई हुआ, 3-4 लाख रुपए के बच्चे, 7-8 लाख रुपए का आपने खाना खिला दिया उन्हें, उसके अलावा 2-4 लाख रुपए आपने जो कर्मचारी रखे हैं उनको दे दिए, यानी कि 50 लाख में से या 40 लाख में से आप 20 लाख रुपए भी घटाते हैं तो 20 लाख रुपए फिर भी आपको बचते हैं। और इस कारोबार के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ यही है, क्योंकि बॉयलर के अंदर जो लोग फंस जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजेक्शंस देने, दवाइयाँ देनी, उनकी सफाई करनी, इतना खर्चा हो जाता है उन लोगों का कि वो कमाई कर ही नहीं पाते, और बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं तो मुर्गे मर जाते हैं और उन मुर्गों का कोई रेट नहीं होता है। अंडे देने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप कोई भी पोल्ट्री बर्ड पालते हैं तो उसमें ये मान के चलिए कि जितने बच्चे आप लाए हैं उसमें से 50% फीमेल 50% मेल होंगे, ऑन एवरेज यही माना जाता है। तो जो 50% फीमेल है, अगर उनसे अगले साल के लिए आप बच्चे प्रोड्यूस करवाएंगे तो भी आपको बेनिफिट है, अगर आप देसी अंडों का कारोबार करेंगे तो भी आपको बेनिफिट है। कुल मिलाकर बात यह है, मेरा कहने का मतलब कि 2.5 एकड़ में 10,000 बच्चों का ओपन रेंज फार्मिंग का काम आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कैलकुलेशन आपको कैसी लगी, इसमें कोई दिक्कत लगी हो तो भी बताएं, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो भी बताएं, और मैं कौन से कंपनी की स्टील की जालियों की बात कर रहा हूँ ये भी बताइए, देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। खैर देखते रहिए ABC इंडिया।